हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं गीतांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल गुड कर्मा 1111 में। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कौन है वह इंसान जो आपको धोखा दे रहा है और क्यों दे रहा है। ओके, आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि कौन है वह इंसान जो आपको धोखा दे रहा है और क्यों दे रहा है, क्या वजह है धोखे की। ओके, यही देखने वाले हैं हम आज की रीडिंग में। टाइमलेस रीडिंग है तो जब मिलेगी तब रेजोनेट करेगी। साथ ही जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है तो आप लड़के हैं लड़की हैं दोनों के साथ रेजोनेट करेगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है सो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, जितना रेजोनेट करता है उतना ही रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, जो कि मैंने अबाउट सेक्शन में लिंक कर दी है। आज कार्ड्स खुद गिर रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ डेक आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मैं जल्दी से कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। आई होप गाइस कार्ड विजिबल होंगे आप सभी को। तो कौन है वह इंसान जो आपको धोखा दे रहा है और क्यों दे रहा है, क्या वजह है। गाइस, ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि वाकई ही आपको धोखे मिल रहे हैं या कोई धोखा कर रहा है आपके साथ। अब ये कौन है इंसान, इस इंसान के साथ ना आपका रिलेशनशिप है, मीन्स ब्लड रिलेशनशिप, यानी कि आपके फैमिली में हो सकते हैं, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि ये एक वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आप पास्ट में रिलेशनशिप में रहे हो और इसने किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा है। अब थर्ड पार्टी में कोई नया इंसान मिल गया, वो चीज़ हो सकती है, लव रिलेशनशिप कह रही हूँ स्पेशली। या तो लव रिलेशनशिप ज़्यादा क्लोज होते हैं, या फिर मैं कहूँ फ्रेंडशिप भी होती है, बट वो लव से रिलेटेड नहीं है, ना ही वो ब्लड से रिलेटेड है। यहाँ पे जिसने भी आपको दुख दिया है, हर्ट किया है, छली किया है, कहीं ना कहीं इसके साथ ब्लड का रिलेशनशिप है, यानी कि खून का रिश्ता है, या फिर ये इंसान वो है जिसको आपने अपना दिल दिया था। ये इंसान का अगर मैं बताऊं इसके बाई नेचर की बात की जाए तो ये बहुत गुस्से वाला होगा, हर चीज़ में हड़बड़ी करना, हर चीज़ में जल्दबाजी करना, गुस्सा जल्दी आ जाना, फिर गुस्सा जल्दी ही उतर जाना, और हर चीज़ में एक्शन बहुत जल्दी लेता है। लाइक अगर ये काम भी कर रहा है ना तो इसके हाथ पैर जो है ना बहुत जल्दी जल्दी चलते होंगे, या अगर बोलने पे भी आता होगा तो बहुत जल्दी जल्दी बोलता हो, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा ही रहती होगी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बोलता होगा, ऐसा हो सकता है, स्टॉप ही नहीं लगता होगा, वो चीज़ हो सकती है, या फिर ये व्हीकल जो है बहुत स्पीड में चलाता होगा। ओके, ये इसकी पहचान है, फिर चाहे ये रिलेशनशिप में हो या इसके साथ आपका लव रिलेशनशिप रहा हो, इस पर्सन का ये है, या तो ये व्हीकल बहुत स्पीड में चलाता होगा, या फिर इसे हर चीज़ में हड़बड़ी रहती है, जल्दबाजी करता होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि गुस्सा इसे बहुत जल्दी आता है, बोलने की स्पीड बहुत तेज़ हो, जल्दी जल्दी बोलता हो, या आवाज़ बहुत तेज़ हो सकती है इस पर्सन की, आवाज़ बहुत तेज़ होगी, हाँ आवाज़ बहुत तेज़ हो सकती है। तो इसका ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत रहा होगा, अगर ये लव से रिलेटेड है ना तो इसके साथ सिचुएशन ऐसी रही होगी कि बहुत जल्दी ब्लॉक कर दिया, बहुत जल्दी अनब्लॉक कर दिया, बहुत जल्दी रूठ गए, बहुत जल्दी सॉरी बोल दिया, मतलब अपनी ही साइड से सॉरी बोल दिया, आपकी ही गलती क्यों ना हो बट सामने से ही खुद ही सॉरी बोल देगा ताकि रिलेशनशिप वापस से ठीक हो जाए, बट फिर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना, फिर कुछ ऐसा करना या कुछ ऐसा बोलना, आप हर्ट हो जाओ एंड फिर वही अनब्लॉक ब्लॉक का ही खेल चलता रहा हो, ऐसा हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, इस पर्सन की आदत भी हो सकती है कि अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करता हो। आई एम सॉरी गाइस, मुझे नहीं पता किससे रेजोनेट होंगी ये चीज़ें, बट हाँ इसकी आदत भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बोलता है, गुस्सा जल्दी आता है इसको, तो मे बी शायद ये गुस्से में अब्यूज़ लैंग्वेज भी शुरू कर देता है बोलना, वो चीज़ हो सकती है। और अभी से रियलाइजेशन हुआ है तो ये जस्टिस करना चाहता है, और कहीं ना कहीं या फिर आपके साथ जस्टिस हो रहा है, लाइक
अगर ये आपको धोखा दे रहा था और इसे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे को हक है, मैं तो कभी भी एंट्री ले लूँगा लाइफ में इनकी, यानी कि आपकी लाइफ में मैं कभी भी एंट्री ले लूँगा, मुझे क्यों मना करोगे, आप हमेशा मेरे लिए लॉयल हो, लाइक वो चीज़ें थी इसको कि भाई मैं बोल सकता हूँ, मेरा हक है, लेकिन आप इसको नहीं बोल सकते, ये आपकी इंसल्ट कर सकता है बट आप इसकी इंसल्ट नहीं कर सकते, आप इसको कुछ नहीं कह सकते। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जो टाइम है ना वो चीज़ रिपीट हो रही है, लाइक इनके साथ ना वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कैसे, जो चीज़ इन्होंने आपके साथ की सेम वही चीज़ कोई इनके साथ कर रहा है, इस इंसान के साथ जिसके लिए इसने आपको छोड़ा, आपको हर्ट किया। मुझे ऐसा लग रहा है अब वो इंसान या तो इनके साथ सेम वही चीज़ें कर रहा है कि इनके साथ अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करना, इनको ब्लॉक अनब्लॉक वाला खेल, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत जल्दी उसको इनसे भी ज़्यादा गुस्सा आता हो, या वो इनसे भी ज़्यादा हड़बड़ी में रहता हो, ऐसा हो सकता है। तो अब इनके साथ जब वो चीज़ें हो रही हैं, जब इन्हें मैच्योरिटी के साथ चीज़ें हैंडल करनी पड़ रही हैं या देखनी पड़ रही हैं, तब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो भी आपके साथ कर रहे थे वो गलत था। ओके, धोखा तो इन्होंने दिया है या दे रहे हैं, कुछ इस तरीके से भी मैं कह सकती हूँ कि वो क्यों दे रहे हैं, वो आपको रिलेशनशिप के लिए धोखा दे रहे हैं। अगर ये सिचुएशन अभी आपकी हुई नहीं है लेकिन जो आपके साथ पर्सन है वो एक्चुअल में ऐसा पर्सन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको धोखा दे रहा है। और क्यों धोखा दे रहा है, क्योंकि वो नए इंसान में इंटरेस्टेड है। लाइक कुछ लोग होते हैं ना कि नया काम मिलते ही पुराने को छोड़ देना, होती है, हैबिट्स होती है कि भाई पुराने को छोड़ के नए पे हम चले जाते हैं। और अगर मैं बच्चे का एग्जांपल लूँ तो कोई नई चीज़ देख के वो पुरानी चीज़ को छोड़ देता है, या पुराने खिलौने को छोड़ देता है नए खिलौने को देख के। कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है कि अभी फ़िलहाल जो है वो इस तरीके की सिचुएशन हो रखी है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप की बात करूं, और अगर मैं फैमिली में कहूं कि कौन आपको धोखा दे रहा है, एक तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है हर वक्त या तो पैसा पैसा करता रहता होगा, ओके, या तो ये एक ऐसा इंसान होगा, या फिर ये बहुत कंजूस हो सकता है, या फिर ये इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता होगा, फोकस नहीं करता होगा अपने काम पर। ओके, पहले मैंने लव रिलेशनशिप की बात कर दी कि किस तरीके से दे रहा होगा या दे रहा है, वो चीज़ हो गई। अब अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है जो आपको धोखा दे रहा है, कहीं ना कहीं ये फैमिली बिजनेस हो सकता है, कहीं ना कहीं आपने इसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा रखा हो, वो चीज़ हो सकती है, बैंक अकाउंट या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसमें आप इस पर ट्रस्ट कर रहे हो। और वो इसकी क्वालिटी मैं बताती हूँ कि ये इंसान या तो फोकस नहीं करता होगा, कुछ ना कुछ इसके हाथ से छूट ही जाता होगा, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान ना बहुत ज़्यादा कंजूस होगा, या ये इंसान ना है पैसा वो वाली चीज़ें करता होगा कि लाइक हर चीज़ का ना अमाउंट देख के बोलता होगा, ओ माय गॉड ये इतना महंगा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, हर किसी से जलन रखना, पैसे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, और कंजूस होगा। दूसरा, फोकस नहीं करता होगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा जो भी इसके पास है। लाइक आप इसे सैलरी दे रहे हो या आप इसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप में हो, राइट, तो ऐसा हो सकता है, लाइक मतलब फैमिली बिजनेस है, जैसे ऐसे लेते हैं, अगर आप दोनों का फैमिली बिजनेस है, ठीक है, तो आप जो भी शेयर देते हो इसको, लाइक बराबर से ही जो भी बांटते हो, वो इसे सेटिस्फाइड नहीं लगता, एंड इसी वजह से ये कुछ ना कुछ ऐसा सोचता है कि ये कुछ घपलेबाजी करे। और ये कर रहा है, ये पैसों के मामले में कर रहा है कि जितना आप दे रहे हो ना उससे ज़्यादा ये गले में से पैसे निकाल लेना, या कुछ ना कुछ लाइक चोरी कर लेना, कहीं से निकाल लेना पैसे, वो चीज़ें मुझे लग रही हैं। आई एम सॉरी गाइज बट मैं इस तरीके से बोल रही हूँ, बट वो चीज़ मुझे लग रही है। और ये इस तरीके से धोखा दे रहा है, और कहीं ना कहीं ये मैरिड होगा, इसके दो बच्चे हो सकते हैं, दो बच्चे या एक बच्चा होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है ना किसी के साथ मिलके भी कर रहा हो, वो चीज़ हो सकती है, दो वुमेन या फिर मैन एंड वुमेन,
वो चीज़ मुझे लग रही है, या तो आदमी होगा या दो औरतें होंगी या आदमी औरत, वो वाली चीज़ें मुझे लग रही हैं। मतलब फैमिली का ही है बेसिकली, तो हस्बैंड वाइफ दोनों ही कर रहे हों कुछ ना कुछ झोलबाजी, वो चीज़ हो सकती है। और दिखने में बहुत स्मार्ट होगा, एक्वेरियस हो सकता है, कुंभ राशि का हो सकता है ये पर्सन, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है ना पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, बट आपके साथ जस्टिस होगा। दोनों ही सूरत में कह रही हूँ आपके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि आप गलत नहीं कर रहे हो, सामने वाला आपको धोखा दे रहा है। तो या तो अगर आपका कुछ कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, लाइक अगर आपको पता चला है फैमिली में हो ये इंसान, वो चीज़ अगर है वैसी सिचुएशन, अगर मैं बोलूँ कि प्रॉपर्टी वगैरह का ही कुछ लेन देन है या बिजनेस से ही रिलेटेड कुछ लीगल मैटर्स चल रहे हैं, तो आपके साथ जस्टिस होगा। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्मा जस्टिस करेगा, लाइक जो ये आपके साथ कर रहे हैं ना उसका इन्हें भुगतना पड़ेगा, या तो यूनिवर्स के थ्रू, क्योंकि नीचे जजमेंट का कार्ड है एंड इनको ना बोला भी जा रहा है, कहीं ना कहीं इनकी या तो तबीयत खराब हो रही है या नुकसान हो रहा है इनका, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको ना सबक सिखा रहे हैं कि जो तुमने गलत किया है ना उसको कबूल लो, उसको ठीक कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ इसी तरीके से करूँगा। क्योंकि कोई देख रहा है नहीं देख रहा वो मैटर नहीं करता, लेकिन ऊपर वाला ज़रूर देख रहा है, उसकी नज़र हमेशा रहती है हमारे अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म पे। एंड शायद ये वो चीज़ भूल गए हैं, शायद इन्हें लग रहा है कि कुछ नहीं होता जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। जजमेंट का कार्ड क्लियरली बता रहा है दोनों ही सिचुएशन में, मैं कह रही हूँ अगर ये रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप था, मैरिड थे ऑलरेडी, और इस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपके साथ गलत किया किसी और इंसान के लिए, तो आपके साथ जस्टिस होगा। अगर ये डाइवोर्स वगैरह की चीज़ें थी तो वो तो होगा ही जस्टिस, ठीक है। बट अगर वैसी सिचुएशन नहीं है तो क्लियरली बता रही हूँ यूनिवर्स जस्टिस करेगा आपके साथ। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो धोखा दे रहा है वो शायद समझ नहीं पा रहा है कि कर्मा का फल भुगतना ही होता है और यहीं भुगतना होता है, और उसका 10 गुना मिलेगा, इन्हें डबल बढ़कर ही मिलेगा। अगर देखोगे यहाँ पे तो बढ़कर ही मिलेगा, 10 गुना क्या, शायद 100 गुना मिले या उससे भी ज़्यादा मिले। जितना ही आपके साथ कर रहे हैं उसका डबल, उसका 100 गुना बढ़ के मिले, ऐसा हो सकता है। और यूनिवर्स आपके साथ हैं, आप प्रोटेक्ट हैं, आपकी सारी विश पूरी होंगी एंड आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा, आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। फिर चाहे लीगल मैटर चल रहे हों, वाकई ही ऐसा भी हो सकता है भाई कि चल रहे हैं वाकई ही कोर्ट में डाइवोर्स का, या प्रॉपर्टी वगैरह बिजनेस वगैरह के कुछ चल रहे हो, तो उसमें तो जस्टिस होना ही है आपके साथ। और वैसे है तो कर्मा तो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपको धोखा इसलिए दे रहा है क्योंकि ये एक हाई लेवल पोजीशन पे जाना चाहता है। अगर मैं ये रिलेशनशिप की बात करूँ, वो वाली जो फैमिली में है, जो ऐसी पार्टनरशिप वगैरह है कुछ बिजनेस से रिलेटेड, तो इसने धोखा आपको इसलिए दिया क्योंकि इसे किंग बनना था, इसे राज करना था। लाइक जो आपको दिया गया है जिस जगह आप हो, सपोज़ अगर घर से रिलेटेड कुछ बंटवारा हुआ है, इस इंसान को दूसरा घर दे दिया आपके माँ बाप ने, जस्टिस कर दिया कि भाई आपका उतना बराबर का हो गया है, इनको यहीं रहन दो और वो वाला आप ले लो, यानी कि इनको बोला। लेकिन इन्हें यह है कि नहीं, रहना है तो आपके घर में रहना है, लेना है तो आपका ही लेना है। मतलब कुछ ना इन्हें यह है, आपसे चिढ़ है, आपसे जलन है, और इसलिए ही आपको धोखा दे रहे हैं ये, इसलिए ही आपको नीचा गिराना चाहते हैं, इसलिए ही आपके साथ गलत कर रहे हैं। और लव से रिलेटेड है तो कुछ थर्ड पार्टी का ही मुझे लग रहा है, और स्पेशली मुझे कि भाई दूसरे इंसान के लिए छोड़ा गया हो, दूसरे इंसान के लिए धोखा दिया गया हो, वो चीज़ हो सकती है। सो या गाइस, मुझे यही दिख रहा है। अगर मैं आपकी बर्थ डेट की बात करूँ तो यहाँ 20-19 और यहाँ पे 9-18-27 2-11-3 और यहाँ पे मुझे दिख रहा है 11 मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, 1-10-7-17
ओके यही मुझे बर्थ डेट दिख रही हैं। अगर मैं बर्थ मंथ की बात करूँ तो यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, नवंबर, जुलाई, अक्टूबर, मई और सितंबर, यही मुझे बर्थ मंथ दिख रहे हैं। जो बर्थ मंथ और बर्थ डेट मैंने बताए हैं अगर वो रेजोनेट नहीं करते, स्टिल रीडिंग रेजोनेट करेगी। जोडिक साइन की बात की जाए, यहाँ वाटर साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि यहाँ बॉटम में रखा है, तो फायर साइन भी दिख ही रहा है और अर्थ साइन भी अवेलेबल है। सो या गाइस, मुझे यहाँ पे सारे ही जोडियक साइन दिख रहे हैं, स्पेसिफिक जोडियक साइन नहीं बताऊँगी। और किसी ने मुझे कमेंट में किया था कि आपने एयर साइन नहीं बोला, बट रीडिंग तो मेरे से रेजोनेट की है। कभी कभी कोई जोडियक साइन अगर नहीं दिख रहा होता तो मैं नहीं बताती हूँ, बट इसका मतलब ये मैंने कभी नहीं बोला है कि रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी। सो प्लीज़ आप इतनी छोटी छोटी बातें पकड़ के बोला मत क्या करो कि भाई ये मैच नहीं किया। अगर मैंने जो बर्थ डेट बताई अगर वो रेजोनेट नहीं की तो फिर भी रीडिंग रेजोनेट करती है ना, तो उस चीज़ को आप लो ना, जो पॉजिटिव है उसको क्यों नहीं लेते हो आप। तो अगर जो भी रेजोनेट नहीं करता है या मैंने नहीं बोला है, सो प्लीज़ आप इग्नोर कर दो ना उसको, इस तरीके से मत बोला करो गाइस, ठीक है, इग्नोर कर दिया करो। एंड उन्होंने इस वे में बोला था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि रीडिंग रेजोनेट की ना उस चीज़ पे जाओ, जोडियक साइन का क्या है। और मैं यहाँ पे स्पेसिफिक इसलिए ही नहीं बताती क्योंकि जो मैं बता दूँगी अगर वो आपका नहीं हुआ तो फिर आप उस चीज़ को लेके कंप्लेन करोगे, इसलिए मैं नहीं बताती हूँ। इसलिए मैं जस्ट नॉर्मल उसमें बता देती हूँ, स्पेसिफिक इसलिए ही नहीं बताती हूँ मैं। ओके या गाइस, आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर देना एंड वीडियो को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिएगा, हम्बल रिक्वेस्ट है। और मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।